नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए और खास वीडियो में। देखिए, ध्यान से सुनिए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका अभी अभी आईटीआई का रिजल्ट जारी हो चुका है। देखिए, यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानकारी हम आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो का एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर दें। देखिए, सबसे पहले जो है यह अप्रेंटिसशिप की यहाँ पर जो है वैकेंसी है, और महत्वपूर्ण क्या है दूसरा कि यह जो है यहाँ पर कौन से यहाँ पर स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वह क्या है, 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में है, लास्ट डेट ध्यान में रखिए। चलिए, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कहाँ से इसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, RRC, NRCI उन्होंने यहाँ पर जो है वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, यहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो भी इंडिया के कैंडिडेट हैं या जो भी इंडिया में रहते हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इन केस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्कशीट मार्केट टू पोस्ट कैटेगरी लेवल 1, 18,000 से 56,900, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC विल बी गिवन प्रेफरेंस इन फिलिंग अप टू 20% वैकेंसी ऑन क्वालिफाइंग द रिक्वेस्टिंग नॉर्म्स नोटिफाइड बाय RRB RRC। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 20% वैकेंसी में जो है यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कि लेवल 1 का यहाँ पर जो है पोस्ट होंगी उनमें। और अभी तो सैलरी इंक्रीज होगा क्योंकि लेवल सी ग्रुप डी को ग्रुप सी में यहाँ पर जो है कन्वर्ट किया गया, और ग्रुप डी को ही यहाँ पर लेवल 1 कहा जाता था। देखिए, यहाँ पर और क्या है कि कितने सीट है यहाँ पर, 9 पोस्ट यहाँ पर जो है 1679 जो है यहाँ पर पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली है। कौन से यहाँ पर डिवीजन होंगे, प्रयागराज, आगरा, झांसी और झांसी वर्कशॉप 2024-25 के लिए। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 15 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है 15/10/2024 तक जो है आपकी एज यानी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब वो क्राइटेरिया में फिल होना चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के लिए 3 साल अलग से मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए तो यहाँ पर 3 साल और प्लस यहाँ पर जो है उनको रिजर्व है तो उनको एक्स्ट्रा और मिलेगा। देखिए, आपका जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वह कहाँ से कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर फ्रॉम टू फॉर्म दिया गया है, यहाँ से अगर आपका बीच में जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखिए महत्वपूर्ण यही है क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपका रिजल्ट लग चुका है 15/9/2024 को और यह जो नोटिफिकेशन जारी हुई है 14 तारीख को, यानी यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिए। इसमें आप अभी अभी पास हुए कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, आप बाद में देखते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन है, आपका 10th पास होना चाहिए, NCVT हो या SCVT, इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें परसेंटेज तो कुछ नहीं दिया गया है, कौन से ट्रेड एलिजिबल होगी, तो फिटर, वेल्डर, आपका आर्मेचर वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर जनरल, मैकेनिक, डीजल, ICTSM, वायरमैन और बैकस्मिथ, तो यह जो है यहाँ पर होगा। और इसकी क्वालिफिकेशन भी सामने दी है, यहाँ पर ट्रेड भी दिया है। चलिए, आगे दोबारा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर और एक नोट दिया गया है, जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वह 10वीं में जो है रिजल्ट अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर वही बात कही गई है ऊपर जो हमने बताया। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है,
आप इसे पढ़ सकते हैं, इसको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। यहाँ पर एनेक्सर दिया है, यह एनेक्सर में आपको जो है डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर और क्या है, पेमेंट फीस कितनी लगने वाली है, तो 100 रुपीज़ पेमेंट फीस लगने वाली है। किसको लगती है, वह लगती है ओपन यानी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है, यह 100 रुपये रिटर्न नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए कोई एग्ज़ाम होगा या कुछ होगा, तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम या वाइवा नहीं होगा। मेडिकल आपका होना चाहिए अप्रेंटिस के अनुसार। जब आपका जो है सिलेक्शन होगा तब आपको जो है बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो है आपको देखिए यहाँ पर होना चाहिए 10वीं में, आपके 10वीं के मार्क प्लस ITI के मार्क्स जो है यहाँ पर मिला के आपको जो है सिलेक्शन यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और हमने अभी अभी ऊपर बताया, वही बात कही गई है कि यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं है। चलिए और महत्वपूर्ण क्या है इसमें, आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। आपको जो है जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वह कितना मिलेगा, तो 8,050 मिलना चाहिए, कितना 8,050। लेकिन रेलवे में अभी नहीं दिया जा रहा है, कम किया गया है, कुछ कितना मिल रहा है, 7,000 कुछ ऐसा मिल रहा है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वह जो है रूल के अनुसार आपको मिला दिया जाएगा। देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हाँ महत्वपूर्ण क्या है, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, नहीं तो पुराना बंद हो चुका मोबाइल नंबर मत दीजिए। और वैलिड चाहिए, ईमेल आईडी कैसी चाहिए, वैलिड, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है 50 KB से 200 KB के बीच में अपलोड कर ले चाहिए। और महत्वपूर्ण क्या है, 10वीं की मार्कशीट, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ITI का मार्कशीट, और दूसरा क्या है NCVT या SCVT सर्टिफिकेट, यानी आपका यानी NTC सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका यहाँ पर कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी से आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका। और दूसरा जो है क्या है, एक सर्विसमैन का यहाँ पर कोटा से भर रहे तो उसका प्रूफ। दूसरा आपका जो कास्ट है, तो कास्ट आपका 10th का मार्क चाहिए और फोटो चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाद में जो है एनेक्सर दिया रहता है, वहाँ से प्रिंट निकाल कर आपको जो है वह सही इंफॉर्मेशन फिल करके जो है आपको अप्लाई करना चाहिए। आपका एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई कई में अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आपको जो है कुछ जो मतलब स्टाइपेंड जितना आपने लिया है उसका कुछ हिस्सा रिटर्न भी करना पड़ता है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। तो लगभग सब कुछ यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट हमने बताया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर कर एक बार ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।